एक शुभ समाचार, जहां महाराष्ट्र के जंगलों को निखारने के लिए पहली बार सीड बॉल का उपयोग किया जाने वाला है। ये सीड बॉल ड्रोन से डाले जाएंगे। नागपुर जिले के नरखेड वन क्षेत्र में यह प्रयोग किया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के नरखेड जंगलों में पहली बार ड्रोन से सीड बॉल डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में वैज्ञानिक तकनीकी से यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसका प्रयोग नागपुर के नरखेड वन क्षेत्र में हो रहा है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा के दुर्गम भाग के 50 हेक्टेयर में 150,000 पेड़ सीड बॉल और ड्रोन की मदद से लगाने का यह अनोखा उपक्रम है। यह सीड बॉल ऊपर से गिराए जाने पर कितने पेड़ लगे, इस पर भी खासा ध्यान रखा जाएगा। नमस्ते, मी प्रज्योत पालवे, सहायक वन संरक्षक काटोल, नागपूर वन विभाग नागपूर। महाराष्ट्रामध्ये असे काही एरिया निवडण्यात आले की जे माणसाला सहजरित्या तिथं जाऊन वनीकरण करता येणार नाही, असे एरिया निवडण्यात आले। त्यामध्ये नागपूर वन विभागातील नरखेड वन परिक्षेत्रातील 50 हेक्टरचा एरिया निवडण्यात आला। त्याच्यामध्ये आपण तो पूर्ण 50 हेक्टरचा एरिया जो आहे तो 100x50 अशा ग्रीडमध्ये डिवाईड केला गेला आणि 1 हेक्टरमध्ये 3,000 सीडबॉल प्रमाणे आपण त्याच्यामध्ये 1.5 लाख सीडबॉल जे आहेत ते आपण ड्रोनच्या सहाय्याने टाकण्यात आलेले आहेत। आणि याच्यामध्ये जे सीडबॉल टाकण्यात आलेले आहेत त्याचे प्रत्येक आठवड्याला त्याचे ऑब्झर्वेशन घेतले जातील, त्याचे रेकॉर्डिंग ऑब्झर्वेशन रेकॉर्ड केले जातील, किती सीडबॉल उगवले, प्रत्येकाची प्रत्येक आठवड्यात कितीने हाईट वाढली याचे ऑब्झर्वेशन रेकॉर्ड केले जातील। आणि जर तो प्रयोग सक्सेसफुल राहिला तर तो पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये राबवण्याच्या दृष्टिकोनातून शासन स्तरावरती योग्य तो निर्णय होतील। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।